मुझे जान से मार देने तक की धमकियां आ रही है, और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ, 11 से 12 के बीच, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है। अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और IPS ऑफिसर बन के आऊंगी, और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे। डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी, और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है, उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक LR हूँ। LR मेरा जो रैंक है वो LR है। पुलिस डिपार्टमेंट में LR जो रैंक होती है वो शुरुआत की रैंक होती है। आई एम ए पुलिस ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, माई रैंक इज़ LR। आप सब मुझे जो बता रहे हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल जो है वो मुझसे ऊपरी अधिकारी है। कांस्टेबल जो है मुझसे एक पद ऊंचा है, वो भी एक अधिकारी है, एक कदम मुझसे ऊपर सीनियर ऑफिसर है वो। मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं LR हूँ। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 साल हुए हैं, और 5 साल हम पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमें पुलिस कांस्टेबल का हमें रैंक मिलता है। जो पुलिस कांस्टेबल सर होते हैं, आई मीन साहेब होते हैं, वो हमसे ऊपरी अधिकारी हैं, एक कदम ऊपरी हमसे सीनियर है वो। मैं पुलिस कांस्टेबल कहलाने के लायक नहीं हूँ अभी, मुझे और 2 साल इस डिपार्टमेंट में बिताने पड़ेंगे, उसके बाद मैं पुलिस कांस्टेबल सर या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब कहला सकती हूँ। तो मैं ये चीज़ आई थिंक सो क्लियर हो गई है कि मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमेय प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रूव करना पड़े, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। तो जिसको जो लगे वो आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि आप चाहे अपने हिसाब से कितना ही बोल लें, कितना ही जो है सफाई अपनी दे लें, सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना उनकी पास समझ सकती है। तो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे। आप जैसे हैं वैसे मैं हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो मैं डेफिनेटली अच्छी हूँ आपके लिए, पर आपके अगर विचार ऐसे हैं कि मैं लेडी सिंगम बनने के लिए आई हूँ, फेमस होने के लिए आई हूँ, राजनीति में जाने के लिए आई हूँ, ये सारे मेरे स्टंट हैं, तो आप लोग के ऐसे विचार हैं तो इट्स ओके, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं अभी तक मीडिया में नहीं आ रही, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो काम है वो बाकी है, प्रोसेस बाकी है। जब मेरी ऑफिशियली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, मैं सामने से कांटेक्ट करूंगी। और कल की जो घटना है वो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों ने मुझे जो लेडी सिंगम का मुझे जो विरोध दिया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर साइको टाइप हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा कर रही हूँ। पर मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी देखिए। कल की ये घटना बताती हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि मार्केट में जो आज नेगेटिव आ रहा है मेरे लिए वो क्यों आ रहा है। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि रावण होगा, अगर रावण नहीं होता तो आपको क्या लगता है राम की कोई वैल्यू होती, राम को कोई जान रहा होता। वही चीज़ अब मेरी स्टोरी में भी है, मैं अपने आप को राम के समकक्ष तो नहीं मानती, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई मतलब दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में मतलब कुमार भाई कानाणी जो है, उन्होंने बताया है 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं, उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो लास्ट सीन है। अभी जो जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है, वो सिर्फ 10% है, अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज करने वाली हूँ, ठीक है।
जो कांस्टेबल है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है, कांस्टेबल साहब जो है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है। जो नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ। मुझसे जो कांस्टेबल है वो मुझसे एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, पीएसआई जो है उसके ऊपर, आई मीन एएसआई उसके ऊपर, पीएसआई, ऐसे रैंक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैंक है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है ताकि हम एक दूसरे को जान सकें कि भाई हमारे सुपीरियर अधिकारी कौन, उसकी पहचान के लिए रैंक है। बाकी मेरे हिसाब से वर्दी जो पहनी है वो चाहे एलआर हो, एलआर ऑफिसर हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर हो, एएसआई हो, पीएसआई हो, वो सारे एक जैसे हैं। पब्लिक के लिए खाकी वो खाकी है। पब्लिक को सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वो कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर आते हैं। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को जो बाकी के पीएसआई, एएसआई वगैरह या फिर पीआई या डीवाईएसपी या एसीपी जो भी हैं वो ऊपरी अधिकारी है, वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं कि आपको कैसा काम करना है। आपके साथ, जनरल पब्लिक के साथ या कॉमन पब्लिक के साथ कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले मदद के लिए अगर वो एक पहुँचेगा तो वो या तो एलआर होगा या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब होगा, यही लोग होंगे। तो आपके लिए जो असली हीरो हैं, आपके लिए जो असली मदद रूप जो आपके लिए बनते हैं वो है कांस्टेबल सर, कांस्टेबल ऑफिसर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफिसर आते हैं जो आपके लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ने जो ये बना रखा है ये तो कांस्टेबल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है ये वो, तो मैं यहाँ एलआर के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलआर की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो एएसआई है, पीएसआई है, जो पीआई है, एसीपी है, तो वो उनके पास कितना पावर है? जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। हम लोग रात दिन 6 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हमें सिर्फ पैंट पहनने को मिलता है। लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही है और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है, मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है, मेरे घर पे भी सुबह शाम पीएसआई मोदी साहब, मैडम मोदी साहब जो है ऑफिसर, पीएसआई ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से पीएसआई मोदी साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेंटली, उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर है, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फ़र्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेलू कहवा गुजराती माँ बता ने पोत पोता रोटला सेकवा है बराबर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो एमएलए के लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था एमएलए का, उसको मैंने बाहर निकलवाया तो उसकी जैसी सेम मेरी एफबी पे एक फ़ोटो अपलोड करे रखी है जिसमें मैं, मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी। ठीक है, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में पीएसआई लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे,
तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यार। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है, उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस वालों का दिमाग जो गर्म है उसका कारण है कि उनको बेचारों को इतना सारा काम करना पड़ता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप उनसे तू ता करके बात करेंगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप पे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो रिएक्शन जो है उनके घर वालों पे पड़ता है। घर पे जाने के बाद, मतलब घर पे तो हर किसी की चलती है ना, मतलब अपने घर पे तो शेर भी नहीं, बिल्ली भी शेर होती है, लाइक दैट। तो मतलब कि घर पे तो हर किसी का चलता है, तो मैं अपना एग्जाम्पल लूँ चाहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का लूँ, किसी का भी लूँ, अगर बाहर हमारा दिमाग खराब हुआ है, लोकल लोगों ने किया है या फिर मीडिया ने किया है या फिर किसी भी कारण हमारा दिमाग खराब है, तो वो दिमाग खराब होने का जो गुस्सा है वो घर वालों पर निकलता है। तो वो जो लोगों की वजह से हमारे घर वालों को भी सहन करना पड़ता है, सिर्फ आप लोग ही गालियां खा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने अपने खुद के भाइयों को भी आज सुबह से कम 4 से 5 बार गाली दी। गाली दी इनसे मतलब उसको डांटा, कमीना, ये वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं कोई सुपीरियर अधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल LR ऑफिसर हूँ जो जिसमें एक मर्यादा आ जाती है। मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है जो हमें करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अकेली हूँ मीडिया में, मैं अकेली पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी ये है कि भाई 20 हज़ार में या फिर जो भी सैलरी 25-30 हज़ार, उसमें घर नहीं चलता। हम लड़कियों का चलो ठीक है फिर भी कि हम लोग संतोषकारक हैं, 10 हज़ार में भी काम चला लेते हैं। अभी हुआ यूं कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं वो रिश्वत ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं, आप क्यों में जाइए, सिर्फ ले रहे हैं उसमें मत जाइए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनकी सैलरी बेचारों की 20 हज़ार 25 हज़ार है, आप मुझे ये बताइए कि उनकी ट्रांसफ़र अगर सूरत में हो रही है तो वो इतने पैसे में क्या कर सकता है। मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी शॉर्ट में बता देती हूँ, वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं ऐसा मानती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिजाइन करा है, कोई पर्सनल मैटर से मैं रिजाइन कर रही हूँ, मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे रिजाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है, और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और IPS ऑफिसर बन के आऊँगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन ज़्यादा बोलने का नहीं है। लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, मैं 2 दिन से 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस सब की वजह से भी, और मेरे ऊपर जो फेक कॉल आ रहे हैं रात को 11 बजे, लोग दरवाज़ा के मुझे बजा रहे हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो लोग रिपोर्टर नहीं है। तो अगर रिपोर्टर होगा तो उसके पास डेफिनेटली कार्ड होगा, कार्ड नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये कि जो कानानी सर हैं उन्होंने अपनी जगह से मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए आप समझदार है, समझ सकते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई और हो, ये हो वो हो, पर आप समझदार हैं काफ़ी, आप सिर्फ इतना मानिए कि मेरे ऊपर इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट तरफ से भी मुझे अभी ऑफिशियली काम करने बाकी है, राजनीति तौर से भी मुझे अभी कुछ और करना बाकी है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरी लीगली प्रोसेस जिस दिन हो जाएगी
उस दिन मैं जल्दी आऊंगी और कोशिश करूंगी कल सुबह मैं वापस अपना इस्तीफा देने जा रही हूँ, रिजाइनिंग लेटर कल सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ 11 से 12 के बीच, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे ऐसे अपना साथ दीजिए ताकि मैंने जो सिस्टम के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी है, वो मेरी हिम्मत बरकरार रहे और आगे जाके भी मैं और अच्छे काम कर सकूँ मेरे डिपार्टमेंट में। जय हिंद, जय भारत।